और आज इस जितिया पर्व में मैंने एक माँ का फर्ज निभाने जा रही हूँ। देख लीजिए दोस्तों कि एक झोला भर के आज हम दीदी को कुछ भेज रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज सुबह सुबह ही मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे बनाना है अनरसा आरसा पीठा। और आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और सुबह सुबह मैं इसे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी जैसे कि जितिया पर्व का आज है पारन का दिन, और पारन के दिन में लगभग हमारे यहाँ हर किसी के घर से अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा जाता है कुछ ना कुछ मिठाई या पीठा बना के, तो हम लोग भी भेजते हैं। और अभी हम लोग भेजने वाले हैं अपनी दीदी के घर, तो उसके लिए बना रहे हैं हम लोग आरसा पीठा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है ये जो अरवा चावल है, इसको मैंने ग्राइंड किया था और उसका जो पाउडर बना था वो मैंने यहाँ लिया हुआ है। इसको छान लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा और जैसे पाउडर का बचा हुआ है इसको भी मिक्स करेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना बहुत ज़्यादा महीन पाउडर चाहिए। हाँ, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गुड़ को चाशनी बनने के लिए डाला हुआ है और अभी ये हमारा हुआ नहीं है, तब से यहाँ पे हम कटोरी में पानी लेके ट्राई कर रहे हैं पर अभी तक ये पका नहीं है। देखते हैं जब ये पक जाएगा ना दोस्तों तो ये नीचे पूरा जम जाएगा और लगभग लगभग होने ही वाला है, एक दो मिनट में ये हो जाएगा। तो जब तक ये होता है तब तक हम अपना पाउडर को, चावल के पाउडर को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है इलायची थोड़ा फ्लेवर के लिए, और यहाँ देख सकते होंगे सौंफ, तो इस दोनों को हम लोग डालने वाले हैं चाशनी में और फिर उसमें डालने वाले हैं चावल का पाउडर। तो यहाँ देख सकते होंगे हमारा जो चाशनी है ये भी पक चुका है, यहाँ दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ये पूरा कटोरी में नीचे जम गया है, तो आपको इतना करना है जब तक ये जमे ना नीचे तब तक इसको चलाते रहना है। तुम पैर बचाओ रे डायरेक्ट ठीक कर देते चला तुम डाल लो मम्मी अब दो बार कोई रिश्ता तो रहे नहीं क्या। तो यहाँ हमने चावल का पाउडर को गुड़ में मिलाया और इसको तब तक मिलाना है जब तक ये अच्छे से, जैसे आटा का गोंद जैसे होता है ना वैसा, इसको अच्छे से मिलाना है और इसको थोड़ा मिलाते रहिए। और गैस का फ्लेम ना ऑन करके ही कीजिएगा ये काम, क्योंकि फिर गुड़ नहीं तो जम जाएगा। तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में दो पत्ते हैं, तो इसका इस्तेमाल होने वाला है इस पीठा को बनाने में, क्योंकि इसको जब हम लोग लोई करके इसमें जब थापेंगे तो फिर इससे उठा के हम लोग ये तेल में डालेंगे। यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए हम लोगों ने दे दिया है और अब रेसिपी को शुरू करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं झारखंडी पीठा, क्योंकि ये जो पत्ता है ना ये है पलास का पत्ता, शायद आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, और अगर आप लोग कुछ और बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। तो पलास का पत्ता से ही अभी हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पीठा जिसको कि अभी हम लोग को छानना है, और छानने के बाद बिल्कुल ये आरसा पीठा बनके रेडी हो जाएगा। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, जो गुड़ पीठा है ये बन रहा है और आरव के पापा भी मेरी मदद कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं इतना सारा हम लोग तल के निकाल चुके हैं, तो फिर अभी और थोड़ा सा बाकी है उसको भी करते हैं और पूरा निकालते हैं। और ये दीदी तुम्हारा और दादा का, ठीक ना, ये सब दे दिए, सब दे दिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो आरसा पीठा है वो बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ देखिए इतना सारा बन गया है, तो हम ये सब कुछ बनाए हैं अपने बच्चों के लिए, इनके लिए और दीदी के लिए, क्योंकि हम लोग तो दीदी के घर भी भेजना है और अभी और भी बहुत सारी तैयारी करनी है, क्योंकि दीदी के घर भी मतलब झोला भर के भेजेंगे ना, इसलिए बहुत सारी तैयारी करनी है। यहाँ पर बस ये लास्ट हमारा है, इसको निकाल लेते हैं।
दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सुबह ही सुबह उठ के हम लोग कुछ रेसिपी बनाए और अभी आरव और आरव का भैया सब मिलके यहाँ बाड़ी से भिंडी तोड़ रहा है। हाँ बेटा, हाँ भिंडी तोड़ रहा है क्योंकि हमें इसको भेजना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रेसिपी भी हम लोग बनाए हैं दीदी के लिए और यहाँ पे भिंडी भी है। बुआ आने वाली नहीं है, बुआ के घर जाने वाला है बजंग भैया। हम भी आइए? नहीं तुम नहीं जाए। पापा और हम जाए, हम लोग जाएंगे कुछ दिन के बाद, ठीक है। नया ड्रेस खरीद लेंगे, शॉपिंग करेंगे बहुत सारा। दूर है तो यहाँ से आज छोटा बाबू बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे भिंडी है और यहाँ पे मेरा बड़ा बाबू तोड़ रहा है। हम भी तोड़ रहे हैं। नहीं बेटा, तू चप्पल नहीं पहना है, चप्पल पहन के आ जाओ। तो अब जा रहा है मेरा छोटा बाबू भिंडी तोड़ने के लिए। मेरा पेड़ पेड़ को मत तोड़ो। तो दोस्तों, अभी हम इस डब्बे में पैक कर रहे हैं पीठा क्योंकि भेज रहे हैं दीदी के घर। तो जैसे कि इस घर की बेटी है वो, तो ये सब देना तो बनता है। तो हम देखते हैं इसमें कितना आएगा। तो चलिए इसको पैक करते हैं। यहाँ हम पूरा डब्बा भर के पीठा भर दिए हैं और अभी इधर देख सकते हैं आरव, बोलो। आरव इतना सारा भिंडी तोड़ दिया है। तो ये सब कुछ पैक होगा और जाएगा दीदी के घर। मम्मा रुको, थैली है। हाँ। तो इसमें भिंडी और बरबटी हम लोग डाल रहे हैं, बहुत सारा हमारा बाड़ी में आया था तो हम लोग सोचे कि दीदी को, हाँ वो हम दिखा दिए हैं सबको और इसीलिए हम लोग सोचे कि दीदी को भी भेज देते हैं दो तीन। और ये भिंडी कितना बड़ा होता है देखो, हमें तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा भिंडी आ रहा है हमारे पास। दोस्तों हम तोड़ के ला दिए हैं। चलो और मत तोड़ो भिंडी, अब बरबटी है तो लो और छोड़ दो भिंडी। तो यहाँ हम इतना बड़ा थैला ले लिए हैं, झोला बोल सकते हैं। इसमें हम डाल दिए हैं भिंडी और बरबटी और ये वाला पीठा। तो सब कुछ अच्छे से पैक कर लेते हैं क्योंकि भेजना है दीदी के यहाँ। तो झोला भर के सामान दे रहे हैं आज। तो आज एक थैला भर के हम दीदी को कुछ सामान देने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ मैं भेज रही हूँ दीदी के लिए सामान और भांजा हमारे लेके जा रहे हैं। वैसे तो ये दीदी के ही बेटे हैं लेकिन इनके ही थ्रू हम भिजवा रहे हैं सारा सामान। और जैसे कि मैंने बोला ना कि ससुराल में मेरा एक जो ये रिश्ता है ना, बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है दीदी मेरे लिए, इसलिए क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं। और बस मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपना सारा फ़र्ज़ निभाऊंगी दीदी को लेके। और ये अभी भांजा निकल गए और जाते हुए देख के छोटा बाबू हमारा यहाँ बहुत उदास हो गया है। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दीदी के लिए कुछ भेजना था क्योंकि हर बेटी का इंतज़ार रहता है उसको कि उसके मायका से कुछ ना कुछ आए, क्योंकि पूजा पर्व तीज त्यौहार इसी वजह से होते हैं कि आप एक दूसरे को खुशी दे, खुशी बांटे। तो हमने भी थोड़ी सी कोशिश की कि हम दीदी के लिए कुछ करें। और ऐसा नहीं है कि दीदी मेरे लिए कुछ नहीं भेजेंगी, वो भी मेरे लिए कुछ भेजेंगी। तो आपको भी मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि वो मेरे लिए क्या भेज रही हैं। और फिलहाल आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।